तो मिलना चाहिए, क्योंकि जो भी हम स्टोरी लेके आया है जो सारे इंडिया में फ्रीडम फाइटर है, और ये फ्रीडम फाइटर जो कनकलता के ऊपर हम बनाया वो बहुत छोटी उम्र में कम थी ये में वो शहीद हुआ था, उसको एकमात्र ये माध्यम है उसको फोकस करने के लिए ये हमारा जो पिक्चर बना के जो सारा इंडिया सारा देश जानना चाहिए उसको, कनकलता कैसे ये हुआ, कैसे लड़ाई किया, कैसे इंग्रज के साथ इतना कम उम्र में उसको शहीद हुआ था, इसलिए हम उसको देश को करने के लिए उसको पिक्चर बनाया। इसके बाद उसको इसके एक साथ हम जो आजकल उग्रवाद का समस्या है उसको भी हम एक ही साथ ही उसको कहीं एक स्टोरी बनाया। गाना बहुत अच्छा है, आप थोड़ी देर में देख लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो लोकेशन है वो भी बहुत अच्छी है। अभी तक जितना हिंदी पिक्चर बनाया हुआ है तो कश्मीर हो, मनाली हो, ऐसे ऐसे है, लेकिन हमारा नॉर्थ ईस्ट का लोकेशन आप लोग आज देख लेंगे कैसा लोकेशन है। तो हम अपील करते हैं जो बाकी हम प्रोड्यूसर डायरेक्टर नॉर्थ ईस्ट भी आइए, उसको पिक्चर पहले देख लीजिए कैसा लोकेशन है क्या है, और ये ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी आप लोग आए हैं, थोड़ा देख लीजिए हम क्या करने वाला है। किल तो बहुत है, आज जैसे हमको थिएटर मिलना का बात था, इतना थिएटर तो मिला नहीं, क्योंकि हर हफ्ते तो नया नया पिक्चर आता है, बहुत बिग बजट का पिक्चर आता है, लेकिन हमका पिक्चर अच्छा है लेकिन बजट ऐसा हमको कैसे लगाएगा, इतना 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 हमारा इतना बड़ा देश है, इतना हॉल है, इतना पिक्चर है, पिक्चर हॉल का है, उसको पूरा का लेने के लिए हमको बहुत दिक्कत हुआ है, क्योंकि हम इतना बड़ा प्रोड्यूसर नहीं हो, हम आसाम का ऐसे गांव का आदमी हो, गांव से हम ये बहुत ये मन में क्या है तो कुछ करना चाहिए देश के लिए, तो देश के लिए लड़ाई किया कनकलता ने, हम भी तो उसको कुछ करना है ना, कि इसे आगे बढ़ाने के लिए आदमी लोग को पास लेने के लिए हम कोशिश किया है, इसी ऊपर हम फिल्म बनाया। तो देशवासी हमारा ये अनुरोध है को आइए थोड़ा पिक्चर देख लीजिए, देख के बाद बोल दीजिए कि कैसे हम क्या करने वाला। ये बेसिकली बॉम्बे में हो रहा है, महाराष्ट्र में अभी भी हमको मिला है, तो कोशिश में लगा हो, अभी तो 25 से ऊपर जा रहा है ऐसे बोला है, महाराष्ट्र में जो होल थिएटर है, और इसके बाद असम नॉर्थ ईस्ट में पूरा लगा हुआ है, और दिल्ली में भी लगा, राजस्थान भी, कल हम प्रोड्यूसर का साथ ही बैठा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन साथ के साथ, हाँ पंजाब में भी आएगा, बिहार में भी आएगा, ईस्ट बंगाल में भी आ रहा है, लेकिन इतना नहीं है, उड़ीसा में भी आ रहा है, तो देख लेंगे पूरा का पूरा। हम जितना हिंदी फिल्म रिलीज होते हैं जितना जून में, तो इतना नहीं है, कम से कम 2, 3, 5, 10, 15 ऐसे हम ले आए हैं जो भी ये है। रिलीज होते पूरब की आवाज़, लेकिन हम नॉर्थ ईस्ट के लिए खुशी का दिन है, और हम ये बात कहना चाहता हूँ क्योंकि हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट का ये कनकलता, असम का बेसिकली असम का कनकलता बहुत कमती उम्र में शहीद हुआ था, इसलिए तो इंडिया का हर शहीद को इंडिया का आदमी, भारतवर्ष का आदमी सब लोग जानते हैं, लेकिन हमारा देश का कनकलता को खाली असम का आदमी जानते हैं, इसीलिए कनकलता का ऊपर ये पिक्चर बन गया है, इसीलिए हम रिक्वेस्ट किया है भारतवासियों को, आइए थिएटर हम ले आके पिक्चर देखिए, और पिक्चर देख के हम लोगों को भी खुशी कर दीजिए, और प्लस जो कनकलता का शहीद इतने नाबालक 17 साल ऐसे 16-17 साल में शहीद हुआ था वो वीरांगना कनकलता, वो इसको भी पहचान लीजिए, ये कहना है। मैं एडवोकेट हूँ, मैं असल में एडवोकेट जोगिंदर, और मैं आज इस फिल्म को देखने के लिए आया हूँ, और बेसिकली मैं इस फिल्म के यूनिट से जुड़ा हुआ हूँ, और लीगल वेज में भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स वगैरह जो बनाने होते हैं हम बनाते हैं इसको हम, लेकिन आज बहुत ही एक फ़ख्र का दिन है, बहुत खुशी का दिन है कि आज जो एक नॉर्थ ईस्ट से जो मूवी बनाने के लिए कोई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स यहाँ पर आए, और जो उसने फिल्म बनाई है पूरब की आवाज़, ये आवाज़ हमें सुनना बहुत ज़रूरी है। क्यों सुनना ज़रूरी है? इसलिए भी ज़रूरी है कि भारतवर्ष में ये जो ईस्टर्न इंडिया है, ईस्टर्न मीडिया में रहने वाले जितने भी लोग कहते हैं कि हम भारत से कटे हुए हैं, और हमारी पहुंच भारत के नेशनल मेन स्ट्रीम तक नहीं आती है, और एक नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ाया जाता है कॉलेजेस एंड स्कूल में, कि नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है तो हमें इन पूर्वोत्तर लोगों की बढ़ाए हुए कदम को एक्सेप्ट करना होगा, इनकी आवाज़ को सुननी होगी, इनकी बातों को समझना होगा, और बहुत सारी इनकी जो संस्कृति है, इनका जो बहुत सारा जो इथोस है कल्चर्स हैं, इनसे हम अभी भी परे हैं। जब तक ये हमारे नेशनल मेन स्ट्रीम में इंडिया में आएंगे नहीं, हमारे मुंबई जैसे
क्षेत्र में आएंगे नहीं और हमें ये सजग और चलचित्र के द्वारा जो दिखाने की कोशिश करें इसको समझेंगे नहीं, तब तक ये नेशन मेन स्टेट जो का कॉन्सेप्ट है वो पूरा फुलफिल नहीं होगा और हमारा देश सही मायने में एक अंग से दूसरे अंग से जुड़ नहीं पाएंगे। इसलिए इन्होंने एक जो स्टेप उठाया है पूरब की आवाज़ को दिखाने के लिए, हम तहे दिल से हमारे पूरे हिंदुस्तान के लोगों को और यहाँ के महाराष्ट्र के लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि फिल्म को जरूर देखें क्योंकि हमारे नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देगा, हमारी इंटीग्रिटी को बढ़ावा देगी। चैलेंजिंग काफ़ी था मेरे लिए एज एन एक्टर। जब आप फिल्म देखेंगे आपको पता चलेगा कि मैंने दो कैरेक्टर साथ में निभाया है और दो कैरेक्टर टोटली ऑपोजिट टू ईच अदर, एक है एक्सट्रीमिस्ट और एक है जो फ्रीडम फाइटर। तो उन दोनों का जो एक गोल होता है, मोटिव होता है, दोनों की लड़ाई सेम होती है कि उनको आज़ादी चाहिए, लेकिन उनका जो पथ होता है, रास्ता होता है, वो अलग होता है। तो एज एन एक्टर मुझे काफ़ी चैलेंजिंग लगा क्योंकि एक है पीरियडिकल और एक है अभी का जो समय है। अभी का समय में उतना मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि अभी हम इसी ज़माने के हैं, तो उसमें कोई इतनी खास प्रॉब्लम नहीं हुई, दिक्कत नहीं आई मुझे। लेकिन जब कनकलता प्ले करने के लिए गए तब क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता ही है कनकलता के बारे में आसाम से बाहर कोई नहीं जानता, तो और उनके बारे में इतना बहुत कुछ हिस्ट्री भी नहीं है कि हम पढ़ के उसके बारे में जान के रिसर्च करें। मेरे एज एन एक्टर मेरे हिसाब से मैंने रिसर्च की जितना मेरे पास था, डायरेक्टर से बात की, प्रोड्यूसर से बात की, उन लोगों से, लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाए। तो यहाँ पे मैं हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को धन्यवाद कहना चाहूँगी, जिस तरीके से उन्होंने इस कहानी को बयान किया है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है क्योंकि इट्स नॉट अबाउट मतलब जो बायोग्राफी नहीं है। जो दूसरा कैरेक्टर है एक्सट्रीमिस्ट, उर्मिला के थ्रू कनकलता जी को दिखाया गया है जो सिर्फ 16 ईयर्स ओल्ड कैरेक्टर थी और मुझे काफ़ी पसंद आया, रोचक लगा और मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि सेलुलॉइड में उनको मैं उतारने का जो एक जिम्मेदारी कहिए, एक चांस कहिए, मुझे मिला, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे डायरेक्टर मेरे प्रोड्यूसर्स के। और मेरी यही आशा है कि लोग देखें, जब भी फ्रीडम फाइटर हो, मार्टर की बात आए तो भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में उनका नाम लिया जाता है पहले, लेकिन जो भारतवर्ष के जो पूर्वी राज्य है असम, वहाँ में 16 साल की एक मार्टर थी लेडी उस समय जो 42 की सही शहीद रही है, उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता और कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार है उसके लिए कि हम उनको उस प्लेटफॉर्म में नहीं ला पाए, भगत सिंह हो या लक्ष्मी बाई जी के प्लेटफॉर्म पर नहीं ला पाए, लेकिन अब जाके हमने वो कोशिश की है कि सबके सामने उनका जिक्र, उनको हम परिचय कराना चाहते हैं पूरे भारतवर्ष के सामने। और आशा करती हूँ आप सब लोग आए, उनको देखें और उनको पहचानें, तो हमारा जो ये हम जो मेहनत कर रहे हैं इस फिल्म के लिए, जो किया है, हम समझेंगे कि हम सफल हुए हैं। पूरब की आवाज़ जो फिल्म है वो एक्चुअली बहुत ही वंडरफुल फिल्म है और ये वुमेन ओरिएंटेड एक फिल्म है, कहानी है जो हिंदुस्तान में पहली बार वुमेन ओरिएंटेड पे पूरब से फिल्म बन के और यहाँ पर आई है, हमारे हिंदुस्तानियों के लिए बहुत गर्व की बात है। और हिंदुस्तान का सिनेमा पूरे देश विदेश में आज जो बढ़ते चला जा रहा है जिस तेज़ी से, तो बस हिंदुस्तान के सिनेमा को बस यही मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का सिनेमा इसी तरह से ग्रोथ करता रहे और कहाँ कहाँ से फिल्में बन के हमारे देश में रिलीज होती रहें। और हमारा देश आज जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाता है, आप सबको ये बातें पता है कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ पर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं और इस बात का मुझे गर्व है कि मैं इस हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। और ये पूरब की आवाज़, जैसे कि होली के शुभ अवसर पर फिल्म आ रही है पूरब की आवाज़, आप सब जानते हैं परसों को होली का त्यौहार है, तो बहुत अच्छा मौका है होली का बहुत अच्छा मौका है पूरब की आवाज़ जो अभी रिलीज़ किया होली का। और अभी हैप्पी वुमेंस डे गया जो हमारे सामने ब्यूटीफुल एक पत्रकारा खड़ी हैं, तो मैं सबको वुमेंस डे की बहुत 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 बधाई देना चाहता हूँ और सबको आने वाले पल होली बहुत अच्छे से मनाए। लोग जैसे कि लोगों के ऊपर कलर फेंक देते हैं, कलर छूटता नहीं है, आँखों में चला जाता है, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, होली बहुत अच्छे से मनाए। देश का बहुत खूबसूरत त्यौहार है, हम सब होली को बड़े प्यार से मनाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, होली का जो त्यौहार है इसको गंदा ना करें। और जो पूरब की आवाज़ है हमारे हिंदुस्तान की फिल्म जो पूरब से बन के आई है, जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो फिल्में, जैसे शहरों में रहने वाले लोग होते हैं जो नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल, हरिद्वार, पहाड़िया और वो सब इलाके नहीं देख पाते हैं,
तो कुछ लोग शहरों में चार दीवारी में बंद रह जाते हैं, तो ये उसके ऊपर एक पूरब की आवाज़ एक कहानी निकल के आई है कहाँ से, तो हिंदुस्तान के सभी लोग इसको सराहें और देखें और होली पे मज़ा लें और होली बहुत अच्छे से मनाएं। थैंक यू वेरी मच। पी के जी प्रोडक्शन की प्रेजेंट है, ये फिल्म का नाम है पूरब की आवाज़, जो ऑल ओवर इंडिया में आज के दिन रिलीज हो रही है पिक्चर। बहुत अच्छी फिल्म बनाई है इन्होंने और इनके प्रोड्यूसर हैं अपना लोकनाथ डेका। मैं डेका जी से गुजारिश करूंगा कि दो शब्द इस फिल्म के बारे में बताएं कि ये फिल्म उन्होंने इतने मेहनत से आज के ज़माने में ऐसी फिल्म बनाना, देशभक्ति के तौर से फिल्म बनाना, ये बहुत कठिन काम है, लेकिन इन्होंने इसके बावजूद भी ऐसे आज के जनरेशन में भी आज के नौजवानों को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो आज़ादी मत भूलो जिन्होंने हमारे पहले भी लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है जितनी आप समझ रहे हैं। इसको प्राप्त करने के लिए अच्छे अच्छे लोगों ने इसकी कुर्बानियाँ दी हैं और उसमें एक कुर्बानी दी है आसाम की टॉप की फ्रीडम फाइटर थी कनक लता जी। वो कनक लता जी के बारे में थोड़ा दो शब्द आपके प्रोड्यूसर साहब कहेंगे। मैं इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, ऑल ओवर इंडिया में फिल्म रिलीज कर रहा हूँ, मित्तल एडवर्टाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन।